गुमराह एपिसोड 125। आप ही कोई दो घंटे बाद नीचे उतरा तो तन्हा था। वो सीधा मेरी मेज की तरफ लपका आया। चल यार, कुछ ज्यादा ही देर लग गई शायद। मैं शमसा से कह आया हूँ कि मैं एक काम से जा रहा हूँ, शाम को वापस आऊंगा। वो 6 बजे तक मेरा इंतजार करेगी वरना कमरा छोड़ देगी। ठीक कहा तुमने उससे, एन मुमकिन है इस अरसे में कोई और कॉलेज फेलो मिल जाए। उस कॉलेज में सिर्फ तुम ही तो नहीं पढ़ते थे ना? यार एक तो तुझसे मैं बहुत तंग हूँ, मेरी जरा सी खुशी भी तुझसे बर्दाश्त नहीं होती। वैसे वो तुम्हारी बहुत तारीफ कर रही थी। मैंने कहा हटाओ, बिल्कुल बकवास है ये। तुम मेरे और मेरे यार के खून को यकजा करने वाली कौन होती हो? ठीक कहा ना मैंने? चल अब कोई गाड़ी पकड़, बड़ी देर हो गई इस धंधे में। मेरा ख्याल है तुम इधर ही रह जाओ, औरत वाकई बहुत हसीन है। मैं चक्कर दे आया हूँ उसे, पता भी है मेरे पास। वापसी पर हम फिर उससे मिल लेंगे। कह रही थी कि आपके दोस्त के लिए भी मैं कॉलेज फेलो हासिल कर दूंगी। बहुत तेज औरत थी वो, मैं 500 उसको दे आया हूँ, फिर भी काम पड़ सकता है ना। हम होटल से निकलकर एक टैक्सी में जा बैठे। चल यार हमें स्टेशन ले चल, आबी ने ड्राइवर से कहा। गाड़ी मियांवाली के लिए 2 बजे छूटती थी। हम स्टेशन पहुंचे और फर्स्ट क्लास का टिकट खरीदकर स्टेशन की इंतजारगाह में जा बैठे। आबी की भूख चमक उठी थी और वो बहुत बेसब्रा हो रहा था। इंतजारगाह में एक बैरा फिर रहा था। मैंने उसे खाना लाने के लिए कहा और फिर मैं इस सोच में गुम हो गया कि जिस मकसद के लिए मैं घर से निकला हूँ वो किसी तरह पूरा भी होगा कि नहीं। खुदा करे हमारा सफर मुबारक साबित हो, वरना तो यूं लगता था जैसे किसी ने छुरी फूंक कर हमारी तरफ फेंक दी हो। हमारा कोई काम सीधा हो ही नहीं रहा था। हम खाना खाने के बाद गाड़ी में जा बैठे। डब्बा आरामदेह था और मुसाफिर की जरूरत का ख्याल रखकर बनाया गया था। आबी सीट पर बैठा और फिर यहां से वहां तक खाली जगह देखकर लेट ही गया। गाड़ी जब मियांवाली पहुंची तो सुबह के 3 बज रहे थे। हम डब्बे से निकले और स्टेशन से बाहर एक होटल में जा ठहरे। होटल अच्छा था मगर लाहौर के मुकाबले में किराए बहुत ही सस्ते थे। आबी लेटते ही सो गया मगर मेरी सोच के जाविये फिर आसिया की तरफ सिमट गए। उस बदनसीब के ख्याल ने मुझे फिर आन घेरा था। सारी रात आंखों में ही कट गई, तारे जल बुझे और एक एक करके मध्यम होने लगे। खिड़की का खुला दरवाजा मुझे आसमान की खबर देता था। वक्त का एहसास मुझे रोशनी ने दिलाया, उजाला दम बदम बढ़ने लगा। आबी को मैंने 7 बजे बिस्तर से उठा दिया। 8 बजे तक हम नाश्ता कर चुके तो आबी बोला, क्या इरादे हैं तेरे, जरा पता तो कर ये कंदियार है कहाँ। अभी तो हमें शब खैर का पता करना चाहिए, आसिया का वो नाजायज बच्चा उसी के पास था। हाँ ये तो है मगर उसको हम कहाँ ढूंढेंगे, ये तो बहुत मुश्किल काम है। कुछ सोचना होगा, मेरा ख्याल है कि हम सीधे कंदियार जा पहुंचते हैं, आसिया से मिलकर उसका भी पता मिल जाएगा। बात तो ठीक है तुम्हारी मगर मुझे यहाँ किसी पुलिस वाले से मिल लेने दे, मेरा ख्याल है वो शब खैर के बारे में जरूर कुछ जानते होंगे। वो जेल में रह चुकी है, किसी थाने के जरिए ही वहां पहुंची होगी। हाँ ये ज्यादा बेहतर है, मैं इधर बैठता हूँ, तुम खुद बाजार में निकल जाओ, कोई सिपाही मिले तो उसी से पूछो, वरना तो मोहल्ले मोहल्ले पूछना पड़ेगा। मैं देखता हूँ, कोई ना कोई आदमी तो उसे जानता ही होगा, मगर मेरा ख्याल है कि तुम भी मेरे साथ चलो। हाँ क्या हर्ज है, मैं भी चलता हूँ। ये कहकर मैंने तस्मे बांधे और अपने कमरे को ताला लगाकर हम बाजार में निकल गए। कई जगह हमें पुलिस के सिपाही नजर आए मगर किसी से शब खैर के बारे में पूछने की जरूरत हमें नहीं हुई। उन सालों की नजरें ही हमें दहला देती थीं। अचानक एक तांगे वाला हमें नजर आया। आबी से उसकी नजरें मिली तो वो मुस्कुराने लगा। तांगा हमारे करीब लाकर बोला, चलना है बाऊजी? चलना तो है मगर कहाँ चलना होगा हमें, कोई ठिकाना है तेरे पास? ठिकाने बहुत, हजारों मन ठिकाने, जरूरत तो आदमी की होती है, जो दाम खर्चे। तो फिर चल जहां चाहे ले चल, आओ खान जी बैठ ही जाओ इसके साथ, ये किसी फसाद में ना डाल दे हमें। इसकी क्या मजाल है हाशिम खान, तू बैठ तो सही। ये कहकर आबी तांगे की पिछली सीट पर जा बैठा। मुझे उसका साथ देना ही पड़ा। दरअसल कोचवान आबी जैसे ग्राहक को पहचान लेने का खास मलिका रखता था। उसने देख लिया था कि ये मौज शौक वाला आदमी है और बाजार में निकला हुआ है। उसने आबी को फौरन ही शनाख्त कर लिया और आबी भी उस आदमी को दलालों के गिरोह का आदमी समझा था जो बाजाहिर तांगा चलाते हैं। तांगा चल पड़ा तो आबी बोला, इस शहर में भी यह धंधा होता है? ओ जी बस आदमी है ना, हर जगह गंदगी बिखेरता है, और फिर ये गरीब लोग जो है ना, इनके हाथों तो सारे ही पापड़ बेल दिए जाते हैं। तेरा जवाब नहीं है उस्ताद, कोई काम की चीज भी है उनमें कि नहीं? हर शय मिलेगी जनाब, और हर उम्र की, हर रंग की। ये बता कोई औरत शब खैर भी यहां रहती है? सुना है उसके पास बहुत बढ़िया माल है। शब खैर, ये नाम किसने बताया है आपको? बस बता दिया किसी ने, कोई रात रहकर गया है वहां, उसने लाहौर जाकर हमें इत्तला दी। अच्छा,
तो आप लाहौर से आए हैं? जब भी मैं कहूं कि ऐसा नजर वाला कौन है जिसने ताजे को फौरन पहचान लिया। मानता है ना तू हमें? और ये इल्म हमें लाहौर की गलियों ने सिखाया है। अब तू बता, चल रहा है ना उधारी? ठीक है जनाब, मैं आपको उधारी ले जाता हूँ। वो शहर के बाहर जिस तरफ सिनेमा है ना, वहां रहती है। बड़ी पुरफिजा जगह है वो नहर के किनारे। फिर तो मजे ही आ गए। क्यों हाशिम खान, नहर का ठंडा पानी और शरबत वसल। हाय ताजे, तू बहुत बड़ा आदमी है। यू आर ग्रेट। तेरा तो इस शहर के वस्त में बुत बनना चाहिए ताकि लोग हमेशा तुझे याद रखें। तेरी खिदमात इस मुल्क के लिए बेमिसाल हैं। आबी उस ताजे दलाल से कुछ ज्यादा ही बेतकल्लुफ हो गया था और मैं चुपचाप बैठा उसकी बातों पर गौर करता रहा। तांगा नहर के पुल की तरफ मुड़ने के बजाय सिनेमा की तरफ चल दिया। कुछ ही देर बाद हम एक चारदीवारी के सामने रुक गए। दरवाजा उसका दूसरी तरफ था। ताजा हमें साथ लेकर दूसरी तरफ चल दिया। मालूम यह हुआ कि वो मकान उस चार दीवारी के गर्भी हिस्से में बना है और उसमें छोटे छोटे 10-11 कमरे मौजूद थे। जब हमें ताजा अपने साथ लेकर अंदर गया तो हमें मकान के बरामदे में एक औरत बैठी नजर आई। उम्र उसकी यही कोई 50-55 के दरमियान थी। वो पेचवान सामने रखे बैठी थी और दो नौजवान लड़कियां उसके दाएं बाएं बैठी स्वेटर बुन रही थी। ताजे को अपनी तरफ आते देखकर उसने हम पर नजर डाली तो बड़े तपाक से मुस्कुराने लगी। अस्सलाम वालेकुम बाजी जान, क्या हाल है आपके? अच्छी हूँ ताजे, ये तू किनको साथ ले आया है? कोई दूर से आए मेहमान लगते हैं मुझे। ये कहकर वो खड़ी हो गई। ये खुद ही आपसे मिलने के लिए बेताब थे बाजी जान, वरना मैंने किसी और तरफ ले जा रहा था। अपने नाम इन्होंने मुझे नहीं बताए। जी मेरा नाम हाशिम खान है और ये मेरे दोस्त हैं पीरजादा साहब। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मेहरबानी आपकी जनाब, आप अंदर आ जाएं और इस घर को अपना ही घर समझें। ये कहकर उसने अकबी दरवाजे पर पड़ी हुई चेक उठाकर हमें अंदर आने के लिए कहा। शक्ल सूरत से वो बहुत ही घर गृहस्थन औरत नजर आती थी। अंदाजो अतवार भी उसके वैसे ही थे। रंग उसका गोरा था और चेहरे से रोब टपकता था जैसे वो अपना हुक्म मनवा सकती हो। आइए अंदर बैठ जाएं। तू बाहर बैठ जा, मैं तुझसे अभी बात करती हूँ। ये कहकर वो हमें मकान के वस्ती कमरे में ले गई। फर्श पर सुर्ख रंग का कालीन बिछा था जिसके तीन अतराफ कुर्सियां और सोफे लगे थे। वस्त में एक बड़ा सा शीशे से मुजयन मेज सजा था। हमें बड़े तपाक से उसने सोफे पर बिठा दिया। उसकी मुलाजमा का नाम शायद सग्गू था। वो बोली, सग्गू जरा इधर आ, इनके लिए चाय बना दे। आप इत्मीनान से बैठे जनाब, ये सिगरेट है, ये ले। ये कहकर वह हमारे सामने कुर्सी पर बैठ गई। उसकी नजरें हमारे वजूद में धंसी जाती थीं। एहसास हमें यह था कि हम किसी बहुत ही जमाना शनास औरत के सामने आ बैठे हैं जिसे मालूम है कि लोगों के मुंह से सच्ची बात कैसे कहलवाई जा सकती है। आपने कैसे सहमत फरमाई? मेरा ख्याल है कि मैंने आपको पहली बार देखा है। जी हाँ, यह शहर हमने पहली बार देखा है। इस ताजे से ऐसे ही बाजार में मुलाकात हो गई। आपका जिक्र बड़ी मोहब्बत से करता था सो हम इधर आ गए। मेहरबानी है उसकी, दिल में अगर तड़प हो तो ताजे जैसे लोग मिल ही जाते हैं। वैसे आपका शुगल क्या है? मेरा मतलब है कारोबार वगैरह। आबी ने पहलू बदला और सिगरेट सुलगा कर बोला, ये बहुत बड़े सनतकार हैं, तोपे और टैंक बनाते हैं। इनका नाम शायद आपने सुन रखा हो, हाजी हाशिम खान। बस ऐसे ही कभी कभार मौज मेले के लिए बाहर निकल आते हैं। अच्छा, कमाल है, मैं समझी आपकी शायद कोई जनरल स्टोर की दुकान है। अब पाकिस्तान में भी टैंक बनने लगे हैं। अंदर ही अंदर सब कुछ तैयार हो रहा है खानम। जिस तरह आप लड़कियों की जींस बदलकर उन्हें कस्बी बना देती हैं तो ये भी लोहे की जींस बदल देते हैं। कोई रौनक नजर नहीं आती यहाँ, तन्हा रहती हैं आप क्या? आबी ने कई सवाल कर डाले। मैं इरफान अली की बेवा हूँ जनाब, बाहर आपने उनके नाम की तख्ती तो देखी होगी। मैं यहाँ तन्हा ही रहती हूँ, कुछ नौकरानियाँ मेरे साथ हैं। हाँ हाँ, अच्छा तो आप उनकी बेवा हैं। बात यह खानम, आपको ही शब खैर कहते हैं ना? हाँ, मगर मेरा असल नाम तहसीन बेगम है। इरफान साहब ने मुझे शब खैर कहना शुरू कर दिया था। अच्छा अच्छा, यानी दिन को आप क्या खैर नहीं होती, यही मतलब है ना आपका? वो आबी के इस फिक्रे पर कुछ जज्ब सी हो गई। संजीदा सी सूरत बनाकर बोली, ऐसा तो ना कहें, दिन को भी यहाँ खैर ही होती है। जनाब आप हुक्म करें। बात यह खानम कि हमें, क्या आप जेल में रह चुकी हैं? ये बात आपको किसने बताई? वो कुछ और संजीदा हो गई। ये हमारी मालूमात है। हाँ ये सच है, पुलिस ने हमें जिदबाजी में 1 साल के लिए जेल भेज दिया था। चले कोई बात नहीं, ये तो होता ही रहता है। मुझे ये बताएं कि कोई लड़की आसिया नाम की आपके इल्म में है? आबी का ये सवाल सुनकर शब खैर उलझ कर रह गई। उसे बड़े गौर से देखते हुए वो बोली, उसका क्यों पूछते हैं आप? आपकी अजीज है वो? हाँ, वो हमारी बहन है खानम, हम उसी के लिए यहाँ आए हैं। कोई सबूत है इस बात का?
सबूत तो हमारे पास कोई नहीं है। कोई किसी को बहन साबित करने के लिए सबूत कहाँ से लाएगा? हमारे खून का ग्रुप अलबत्ता साबित कर सकता है कि वो हमारी बहन है। बहुत बदनसीब लड़की है वो। जेल में वो कुछ दिनों मेरे साथ रही। वो उस वक्त रावलपिंडी जेल में थी। किसी ने उसे वहाँ से फरार होने में मदद दी। मैंने उसे अपना पता दे दिया था। वो जेल से निकली तो मालूम हुआ कि वो हामिला हो चुकी है, और ये काम जेल के डॉक्टर की वसादत से हुआ था। कोई लाखू नाम का आदमी था, वो उसकी भेंट चढ़ी थी। लाखू लाशारी, हाँ यही नाम था उसका। आसिया ने जेल से फरार होने के बाद किसी जगह से पिस्तौल लिया और उस डॉक्टर को उसकी कोठी पर जाकर मार दिया। पुलिस को उस बात की सुनगुन मिल गई। उसने आसिया का ताकुब किया, मगर वो सीधी मेरे पास आ गई और उसका बच्चा मेरे घर में पैदा हुआ, मगर वो बच्चे को यहाँ छोड़कर आगे निकल गई। यही बात तो हम मालूम करना चाहते हैं कि अब वो कहाँ है। मुझे अफसोस है, अब मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानती। वो एक दिन यहाँ से चुपचाप निकल गई। कि कैसे हो सकता है खानम, आपको ज़रूर मालूम होगा। उसका बच्चा कहाँ है? वो तो इधर ही है, सग्गू से पाल रही है। अरे सग्गू, वो चाय कहाँ है? उसने वहीं बैठे बैठे मुलाजमा को आवाज़ दी। ला रही हूँ बेगम साहब, ला रही हूँ। ये कहती हुई सग्गू कमरे के अंदर आई। वो चाय के सामान से लदी फंदी ट्रे उठा चली आ रही थी। वो चीकू कहाँ है? उसे धर ला, उसके मामू आए हैं। वो तो सो रहा है, मैं भी लेकर आती हूँ। ये कहकर वो इन्हीं कदमों लौट गई। शबखैर ने चाय के बर्तन सीधे किए और उनमें चाय उंडेलने लगी। चंद ही लम्हों के बाद हमें सग्गू वापस आती नजर आई। उसके कंधे से गोल मटोल सा खूबसूरत फराक में मलबूस बच्चा लगा हुआ था। उसे देखकर ही मुझे अपने आप से नफरत होने लगी। सग्गू की मुस्कुराहट मुझे यही बता रही थी कि वो इस मामले को किस नज़र से देखती है। मामू के लफ्ज़ पर उसने बहुत जोर दिया था। बच्चे को लाकर सग्गू ने मेरी गोद में डाल दिया। आसिया से उसकी मुशाबहत बराए नाम ही थी, बल्कि ना होने के बराबर थी। मैंने इसका नाम बिलाल अहमद रखा है, सग्गू से चीकू कहती है। ये कुछ ज़्यादा चीखे मारता था, मगर अब इसको आराम मिल रहा है। सग्गू इसकी बहुत खिदमत करती है। मैंने चीकू को सग्गू के हवाले कर दिया। मुझे उससे कोई रग़बत महसूस नहीं होती थी। आसिया ने इसको बहुत मारा था, वो तो इसको जान से ही मार देना चाहती थी, मगर मैंने इसे बचा लिया। इसका भला क्या कसूर था? मेरा ख्याल है आपको भी इससे हमदर्दी होगी। ले जाओ इसे सग्गू, आसिया को ये कैसे अच्छा लग सकता है? उसकी ममता ही मर गई होगी इसे देखकर। यह उसकी मजबूरी का मुंह बोलता सबूत है, मैंने बच्चा उसके हवाले करते हुए कहा। हाँ वो यही कह रही थी, उसने लाखू से मुलाकात भी की थी। उसने बहुत जोर दिया, मगर वो उसके पास रही नहीं। रावलपिंडी वापस आकर उसने डॉक्टर को भी मार दिया। बहुत अच्छा किया उसने, लाखू उसका क्या लगता था। मैं आपका ममनून हूँ, मुझे आप आसिया का पता बता दें, मेरे लिए वो लड़की अजाब बन गई है। मैं कुछ कह नहीं सकती, अपना पता वो मेरे पास छोड़कर नहीं गई है। पुलिस से वो बहुत खायफ थी, और मेरा ख्याल है कि उसका जुर्म वो साबित भी कर सकते थे। ये आप कैसे कह सकती हैं? इसलिए कि जिस टैक्सी में वो डॉक्टर की कोठी पर गई, उसका ड्राइवर भी गवाह है। उसे आसिया के इरादे का इल्म नहीं था, उसने गोली की आवाज़ भी नहीं सुनी थी, मगर वही उसे मकान पर ले गया था और उसी के साथ वो वापस आ गई थी। कोठी से निकलकर वो सदर पहुंची तो उसने दूसरी टैक्सी पकड़ ली। ड्राइवर का बयान बहुत कारामद साबित हो सकता है। और क्या कुछ बताया है उसने? आसिया की शक्ल सूरत का पूरा नक्शा ही खींच दिया है उसने, यहाँ तक कि उसे यह भी मालूम है कि वो हामिला औरत है। मैं आपका बेहद शुक्रगुजार हूँ, मगर मैं तो बहरहाल उससे मिलना चाहता हूँ। आप तलाश कर ले उसे, मुझे क्या इतराज हो सकता है, मेरे पास उसका पता बहरहाल नहीं है। जरा रोक के खानम, ये क्या कह रही हैं आप? वो कंदियार का किस्सा कहाँ तक दुरुस्त है? आबी ने उसे बड़े गौर से देखते हुए पूछा। क्या मतलब? मुझे तो इस बारे में कुछ इल्म नहीं है। हैरत से उसकी आंखें कुछ दराज हो गई। ऐसा ना कहें, आपको सब कुछ मालूम है। कंदियार का मुकर्रम अली उसे यहाँ से अपने घर ले गया था। आप पर लाजिम है कि कौमी तराना सुने तो खड़ी हो जाए। वो परेशान सी हो गई। आप किस तराने की बात कर रहे हैं? वही जो कंदियार में बज रहा है। आपको हमारे साथ चलना होगा खानम, अगर हमें आसिया ना मिली तो हम बर्बाद हो जाएंगे। ऐन उसी वक्त अकबी कमरे से हमें किसी औरत की जबरदस्त चीखें सुनाई दी। अभी हम इस पर गौर कर ही रहे थे कि दूसरे कमरे का दरवाजा खुला और एक औरत अपना दर्दीदा लिबास संभालती हुई रोती चीखती हमारे कमरे में आ गई। बाल उसके कंधों पर फैले हुए थे और चेहरा उसका हल्दी हो रहा था। एक आदमी तेजी से उसके पीछे लपका, वो सिर्फ पजामा पहने था। आते ही उसने औरत को बालों से पकड़कर अंदर खींचा और इतनी तेजी से उसने दरवाजा दूसरी तरफ से बंद कर लिया कि आबी के उठते हुए कदम वहीं रुक गए। बिल्कुल पागल लड़की है ये, हालांकि गाहक ने इसे 1000 रुपए दे दिए हैं, गधी कहीं की। शबखैर ने हंसते हुए कहा। उसके लहजे में बला का फखर पिन्हा था, जैसे कह रही हो कि उसके गाहक कोई ऐसे वैसे थोड़ी होते हैं।
ये क्या हो रहा है खानम? मैंने कहा है ना कि ये लड़की किसी वक्त बिल्कुल पागल हो जाती है। ग्राहक ने माल पानी खर्च किया है तो फिर ये नखरे कैसे? मैं देखती हूँ, आप चाय पिए। ये कहकर वो कमरे के बड़े दरवाजे तक गई और फिर दाएं तरफ निकल गई। ये जगह तो मुझे कुछ और ही मंजर दिखाती है हाशिम खान, ये क्या हो रहा है यहाँ? मेरा ख्याल है वो लड़की इस धंधे में नई नई आई है, आओ जरा देखते हैं कि वो है कौन। ये कहकर मैं अभी को साथ लेकर कमरे से निकला और छोटी सी 4-5 फुट की राहदारी में से गुजरकर हम अकबी कमरे के बड़े दरवाजे तक जा पहुंचे। शब खैर हमें नजर नहीं आई। हमने दरवाजे पर हाथ मारा तो उसके पट आप ही आप खुल गए। कमरे में वो लड़की कुर्सी पर ढेर कर दी गई थी और वो आदमी उसके पास खड़ा था। वो अब भी उसके बालों का जोड़ा हाथ में लिए उसके चेहरे को उलट रहा था। उसका अंदाज बहुत ही वैश्याना था। वो लड़की पर झुककर उसे कुछ समझाने की कोशिश कर रहा था। लड़की की आंखें बंद थी और वो अपनी फटी हुई तार तार कमीज और दुपट्टे से अपनी बरंगी छुपाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। ये क्या हो रहा है सरदार साहब, ये क्या तरीका है आखिर? शब खैर ने कहा, आप इसको समझाएं, ये मुझे ज़बरदस्ती पर मजबूर कर रही है। अचानक उसकी नज़र हम पर पड़ी, वो बिदक सा गया। लड़की के बाल उसने छोड़ दिए और हमारे सामने एकदम तनकर खड़ा हो गया। ये कौन है, इनको अंदर आने की इजाज़त किसने दी है? आप लाई हैं इन्हें? जी नहीं, ये मेरे मेहमान हैं, ऐसे ही मेरे पीछे आ गए हैं। लड़की ने हमें देखा तो कुर्सी छोड़कर वो एकदम तेजी से उठी और आबी के पद्मों में जा गिरी। मुझे बचा ले भाई जी, मेरी इज्जत सख्त खतरे में है। ये औरत, बकवास बंद कर, आप बाहर जाएं भाई जी, मैं खुद निपट लूंगी इससे। जाएं आप बाहर, उठ जाए इधर से, वो 1000 रुपया खर्च कर रहा है तुझ पर, जाने कैसे देगा? रोक के खानम, रोक के। ये किस 1000 की बात करती हैं आप? कौन लड़की है ये? मैंने इसकी फीस दी है भाई जी, आप जाएं यहाँ से, हम यूं बेइज्जत होने के लिए तो नहीं आए थे। शब खैर, मुझे सख्त अफसोस है कि आपने हमारे साथ धोखा किया है। ये कहकर उस आदमी ने फौरन ही कमीज पहन ली। उसकी शेरवानी भी अलगनी पर टंगी थी और पिस्तौल की पेटी भी। पिस्तौल उतारकर उसने फौरन ही कंधे पर लटका लिया। अब वो जूतों में पांव फंसा रहा था। धोखा नहीं है सरदार साहब, ये लड़की भी कच्ची है, ये पहला मौका है इसका, इसलिए सता रही है आपको। चल री, उठ यहाँ से, तू कब तक हमें सताएगी? वो लड़की आबी की तरफ खिसक गई। ये झूठ बोलती है, मेरी बदकिस्मती मुझे यहाँ ले आई है और इसने मुझे नीलाम पर चढ़ा दिया है। मैं शरीफ खानदान की बेटी हूँ भाई जी, मुझे बचा ले इन लोगों से। वो लड़की बिलकने लगी, उसकी आंखों से ये मोटे मोटे आंसू गिर रहे थे। आबी का दिल कुछ ज्यादा ही पसीज गया। वो झुका और लड़की को फर्श पर से उठाकर बोला, इनके कोई कपड़े और हैं तो इन्हें दे दें, हमें नहीं मालूम था कि यहाँ ये धांधली चल रही होगी। कोई कपड़े नहीं है इसके, ये एक जोड़ा लाई थी, ये हफ्ता भर पहले ये मेरे पास आई थी, खुद कह रही थी मुझसे कि किसी से मेरा निकाह पढ़वा दें, अब नखरे करती है। बहरहाल आपका यहाँ कोई काम नहीं है। चल रही, मैं तुझसे बाद में बात करूंगी, चल उधर। आप इत्मीनान से बैठे सरदार साहब, मैं अभी इसका मिजाज ठिकाने लगा दूंगी। ये कहकर उसने लड़की को घसीट कर वहां से बाहर निकालना चाहा, मगर वो किसी भी तरह उसके साथ नहीं जा रही थी। आबी ने शब खैर का हाथ झटक दिया और बिस्तर की चादर खींचकर लड़की के बदन पर डाल दी। आए, हम दूसरे कमरे में जाकर बात करते हैं, आप अभी ना जाएं सरदार साहब, आपकी फीस भी वापस कर दी जाएगी। ये कहकर आप भी उस लड़की को साथ लेकर राहदारी में निकल गया। चंद लम्हों के तौकिफ के बाद मैं भी उसके पीछे हो लिया। जब हम शब खैर के नशस्तगाह में पहुंचे तो वो लड़की एक बार फिर कुर्सी पर ढेर हो गई थी। उस लड़की का सारा बदन थर थर कांप रहा था। क्या कह रही है ये गश्ती, मैं इसके टुकड़े कर दूंगी। ये लड़की खुद कह रही थी कि मेरे नान नुफ़े का बंदोबस्त कर दें, जब ग्राहक आया तो ये हल्ला मचाती है। शब खैर ने कमरे में आकर गरजते हुए कहा, मैंने कब कहा था कि आप मुझे यूं भेज दें? तेरी तो ऐसी की तैसी, तू यूं ही बकती है, क्या है तेरे पास? तेरा बदन ही है ना, ये इसी तरह बिकेगा। ये क्या कह रही है खानम आप? आबी ने बड़े ही तंजिया लहजे में कहा, रोक के खानम, रोक के, ये क्या कह रही हैं आप? आपने तो मेरी चिड़ी बना ली है, रोक के खानम, रोक के, आखिर मतलब क्या है इसका, क्या लगती है ये आपकी? अब ये मेरी बहन बन चुकी है खानम, और मैं एक लफ्ज भी इसके खिलाफ सुनना पसंद नहीं करूंगा। कहाँ है वो सरदार साहब? वो आ रहे हैं अभी, मुझे उनको फीस लौटानी पड़ेगी, इसने तो मुझे परेशान कर दिया है इस गश्ती ने। सोच समझ कर बात करें खानम, और ये बकवास बंद करें, इस लड़की के खिलाफ मैं एक लफ्ज नहीं सुनूंगा। ओए सरदारा, क्या नाम है तेरा कुत्ते के बच्चे? आबी एकदम तैश में आ गया। खानम का गाहक दरवाजे में दाखिल हो रहा था। नाम क्या है तेरा? आबी की जंजीर टूटने लगी थी। ये क्या तरीका है बात करने का, कौन है आप, मुझसे मुखातिब किस तरह होते हैं?
उसका हाथ पिस्तौल की तरफ लपकने लगा। पता है तुम्हें कि तुम किससे बात कर रहे हो? सरदार अली आशिक को नहीं जानते हो तुम? बदमाश, तुम बात किस तरह करते हो? अभी उसका हाथ पिस्तौल तक नहीं पहुंचा था कि आबी एकदम चीते जैसी फुर्ती से उसके पास जा पहुंचा, और जाते ही उसने अली आशिक का दायां हाथ कलाई से पकड़कर कुछ इस तरह मरोड़ दिया कि वो आदमी बेबस होकर रह गया। मुड़ा हुआ हाथ कमर पर पहुंचा तो उसने मेरी तवक्को के बिल्कुल बरक्स कलाबाजी खाई, तो आबी के हाथ से उसकी कलाई छूट गई और वो अंधे भैंसे की तरह आबी पर पिल पड़ा। मगर उसका कोई भी हाथ उसके बदन पर सीधा नहीं पड़ रहा था। शेरवानी के ऊपर से खिसक कर उसका पिस्तौल नीचे जा पड़ा तो उसने आगे बढ़कर आबी की गर्दन पर दोनों हाथ इस तरह मिलाए कि अगर आबी पीछे झुककर अपने घुटने उसके पेट में ना दे मारता तो मेरा ख्याल है कि वो उसी वक्त आबी को चित कर सकता था। जैसे ही आबी ने कमर के बल लेटकर अली आशिक के पेट में दोनों घुटने देकर उसे उल्टाया तो वो पलटकर सामने दीवार में जा लगा। सरदार अली आशिक कोई मामूली शय का नाम नहीं था, उसे अपने कमाए हुए बदन पर बहुत नाज था। शब खैर अंगुश्ते बदंदा ये सब कुछ देख रही थी। वो आम औरतों की तरह वायवेला नहीं मचा रही थी और वो लड़की कुर्सी पर बैठी बराबर लरसती रही। मैंने भी उनके दरमियान मदाखलत नहीं की, आबी की उठक बैठक जरूरी थी। बहुत दिनों से उसका बदन खुल नहीं रहा था। दीवार से लगते ही आशिक ने नेफे में से खंजर निकाल लिया। ये उस साले की सरासर ज्यादती है। आबी ने खंजर यूं तुलते देखा तो एक लहजे के लिए तो वो परेशान हुआ। उसे मालूम नहीं था कि सरदार चाहता क्या है, मगर वो दरअसल अपनी बेइज्जती का इंतकाम लेने पर तुल चुका था। दोनों आदमी एक दूसरे को देख रहे थे। आशिक का पिस्तौल पेटी समेत कोने में जा लगा था। आबी की निगाह उसकी नजरों का ताकुब कर रही थी। खंजर सीधे हाथ में लेते ही उसने आबी को जबरदस्त किस्म की गाली दी और उसका फल हाथ में लेकर खंजर को उसने आबी पर इस तरह चलाया कि अगर वो उसकी नजर को ना तोलता तो वो चित हो गया था। खंजर आबी के सीने से छूता हुआ दरवाजे में जा लगा। आबी अपना आप बचा गया, मगर इस तरह के खंजर के सामने आते उसने अपनी चौड़ी चकली छाती को एकदम पीछे हटा लिया था। आबी ने तेजी से दीवार तक पहुंचकर उसका पिस्तौल उठा लिया और जैसे ही आशिक का हथियार उसके हाथ में आया उसने हार मान ली। पलटकर दीवार के साथ लगकर सरदार आशिक ने हाथ ऊपर उठा लिए। उसे मालूम था कि शिकस्त किस तरह तस्लीम की जाती है। क्या ख्याल है तुम्हारा सरदार साहब, चला दूं गोली? आबी ने अपना सांस रोकते हुए कहा। तुम्हें शायद इसकी बहुत ज्यादा कीमत अदा करनी पड़े। मैं जा रहा हूं शब खैर, यह 1000 रुपया हमने तुम्हें माफ किया। लड़की सीधी हो जाए तो उसे हमारे डेरे पर भेज देना। अब की बार हम यहां नहीं आएंगे। लाए ये पिस्तौल मुझे दे दें। वो जाओ ए, दौड़ जा यहां से, यह हमारे पास ही रहेगा तुम्हारी निशानी के तौर पर। आबी ने दरवाजे के पट में से खंजर को बाएं हाथ से खींचते हुए कहा। यह नहीं हो सकता, हमने अपनी हार तस्लीम कर ली है। ओए जा तू आशिक के बच्चे, दफा हो जा यहां से। इसे पकड़े खान साहब, मैं इसे बाहर धकेल कर आता हूं। आबी ने खंजर मेरी तरफ फेंक दिया। चलो निकलो यहां से और भूल जाओ कि तुम्हारे साथ कोई ज्यादती भी हुई थी। सरदार आशिक बेबस हो गया। पिस्तौल आबी ने यूं थाम रखा था कि उसकी तरफ से जरा भी हरकत हो जाती तो वो गोली दाग देता। सरदार ने सूरत हाल को समझते हुए उसी वक्त दरवाजे का रुख किया और तेजी से बाहर निकल गया। ताजा उस अरसे में शोर सुनकर दरवाजे पर आन ठहरा था। आशिक जैसे ही बाहर निकला वो कमरे में आ गया। कि क्या हो रहा है बीबी जी, इधर तो पिस्तौल भी निकल आए। तू जा ताजे, बाहर बैठ, मैं देखती हूँ कि ये क्या कहते हैं। आखिर आप हैं कौन, मेरे घर में आकर ड्रामा करने की आपको जरूरत कैसे हुई? बेहतर है शब खैर कि तुम आसिया का पता हमें बता दो, वरना अच्छा नहीं होगा। आबी ने अब की बार उसे आड़े हाथों लेते हुए कहा। उसका लहजा बहुत ही तल हो चुका था। यही बेहतर है शब खैर, खुदा तुम्हारे चकले को आबाद रखे, हमें बहुत जल्दी है। मैंने खानम के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, यूं जैसे वो भी बिकाऊ माल हो। वो एकदम सिमट कर पीछे हटी। मैंने कह जो दिया कि मुझे उसका कोई पता नहीं, आपको यकीन क्यों नहीं आता? हमारी बहन कंदियार में मुकर्रम अली के पास तुम्हारी वजह से पहुंची जलील औरत, और तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। मैंने उसके बालों का जूड़ा पकड़कर उसे झटका देते हुए कहा, तुम्हारी ये जुर्रत, खबरदार जो मुझे हाथ लगाया मैं तुम्हारे टुकड़े कर दूंगी। मत समझना कि मैं भी सरदार अली आशिक की तरह हूं कि तुम मुझे दबोच लोगे। यार मोहम्मद, अरे ओ यार मोहम्मद, ये कहकर उसने दीवार में लगी घंटी दबा दी। तो और क्या समझे तुम्हें, सारी बात का इल्म है तुम्हें और फिर भी तुम इनकार कर रही हो। मैंने उसकी तरफ बढ़ते हुए कहा, मगर वो फौरन ही वहां से दुबक कर दरवाजे की तरफ लपकी। तो ऐन उसी वक्त तीन आदमी राहदारी में से निकलकर उसके पास आन पहुंचे। वो तीनों उस गश्ती के गुंडे थे। उनकी सूरतें काबिल नफरत थी, उनके बदन खूब तने हुए थे। क्या बात है खानम, खैर तो है? इन शोधों से निपटो यार मोहम्मद, निकाल दो इनको मेरे घर से, पता नहीं कहां से आ गए, किसी बात का लिहाज ही नहीं है इन्हें।
उसकी ये बात सुनकर यार मोहम्मद ने हमें फाड़ खाने वाली नजरों से घूरा। आबी ने इस अरसे में पिस्तौल कंधे पर लटका लिया था। कौन हो तुम, ये क्या चक्कर चला रहे हो, जाते हो यहां से कि नहीं? हम दरअसल खानम के साथ मामला करना चाहते हैं, हमारा इसी पर दिल आ गया है। आबी ने पिस्तौल सीधे हाथ में ले लिया। उसे मालूम था कि अब की बार मामला इतना आसान नहीं है। वो तीनों कदकाठ के बहुत मजबूत दिखाई देते थे और खानम ने उनको ऐसे ही मौकों के लिए पाल रखा था। बैठे बैठे वो भी तंग आ चुके थे और चाहते थे कि थोड़ी सी वर्जिश हो जाए। अच्छा, तो ये मामला है, क्या ख्याल है खानम, फीस पूरी देते हैं तो चली जाओ इनके साथ? यार मोहम्मद ने हंसते हुए कहा और आबी की तरफ घूमकर उसने कुछ ऐसी तेजी से उछलकर पांव की ठोकर उसके हाथ पे लगाई कि पिस्तौल उस लड़की के पांव में जा गिरा जो इस अफरा तफरी में दीवार के पास जा ठहरी थी। उसने फौरन नीचे झुककर पिस्तौल उठा लिया, मगर उस कामनी सी मूरत से वो हथियार जिस शक्ति का तकाजा करता था वो उसे मिल नहीं सकती थी। दूसरे ही लम्हे में यार मोहम्मद ने आबी के दोनों पंजे अपनी गिरफ्त में ले लिए और बोला, बेहतर है कि तुम यहां से फौरन निकल जाओ, खानम का यही हुक्म है। मगर आबी के लिए यह तौहीन नाकाबले बर्दाश्त थी। उसने यार मोहम्मद को दोनों पंजे दूर तक खींचने की मोहलत दी, फिर कुछ ऐसी बर्फ रफ्तारी से आगे बढ़कर उसके सर से अपना सर टकराया कि पंजों पर उसकी गिरफ्त एकदम महमिल होकर रह गई। आबी के सर की टक्कर कोई कोई बर्दाश्त कर सकता था। यार मोहम्मद लड़खड़ाकर दीवार में जा लगा तो आबी ने लड़की की तरफ बढ़कर पिस्तौल अपने हाथ में ले लिया और मैं ये देखकर लरज उठा कि उसने यार मोहम्मद पर बेदरेह गोली चला दी थी, मगर उसके अंदाजे के बिल्कुल बरक्स पिस्तौल खाली था। अगर खाली ना था तो उसमें गोली जाम होकर रह गई थी, कोई ना कोई नुक जरूर पड़ा था। पिस्तौल उसके हाथ में बेजान खिलौना बनकर रह गया। इतनी सी मोहलत से फायदा उठाकर उन दो में से एक ने तेजी से आगे बढ़कर मेरे मुंह पर ऐसा जोरदार झापड़ दिया कि मैं समझा कि मेरा मगज़ हिल गया है। वो उन तीनों में सबसे ज्यादा ताकतवर था। पिस्तौल लड़की के हवाले करके आबी ने उसके अकब में आकर उसके बाल पकड़े तो तीसरा आदमी आबी से उलझ गया। मैंने उस पहलवान को गिरेबान से पकड़ लिया। आबी ने अभी तक उसके बाल नहीं छोड़े थे। दाएं हाथ से वो तीसरे आदमी के वार रोक रहा था। पहलवान का गिरेबान मेरे हाथ में आया तो उसने जोरदार झटका देकर अपने बाल आबी के गिरफ्त से छुड़ाए और एक जबरदस्त मुक्का उसने मेरे मुंह पर जड़ दिया, मगर वो मुक्का ही उसके लिए मुसीबत बन गया। मैंने उसका बढ़ा हुआ हाथ कलाई से पकड़ा और झटका देकर उसकी कलाई पर जो दबाव डाला तो उसकी हड्डी चटक गई। कलाई दो हिस्सों में बढ़ चुकी थी। एक महीप चीख उसके मुंह से निकली और वो कलाई थामकर वहीं फर्श पर बैठ गया, हालांकि वो बड़े मजबूत बदन का आदमी था। अब सिर्फ तीसरे आदमी को अपनी जरबों का हिसाब लगाना था। आबी ने उसे टांगों की कैंची में लेकर जमीन पर गिरा दिया था और उसके मुंह पर ताबड़तोड़ मुक्के लगाने में मसरूफ था। परे हट आबी, मैं इसका पक्का झटका कर देता हूं, ये कहकर मैंने उसकी गर्दन पर उंगलियां डाल दी। उसकी रगे एहसास पर दबाव बढ़ाया तो वो एकदम शल हो गया। आबी ने टांगे उससे अलग कर ली तो वो बिल्कुल ही निढाल हो चुका था। आबी ने उठते ही लड़की के हाथ से पिस्तौल लिया तो मालूम हुआ कि उसका सेफ्टी लॉक पूरी तरह खुल नहीं सका था। इस अरसे में यार मोहम्मद का मगज लौटने लगा था। वो झुरझुरी लेकर उठ बैठा, मगर आबी ने अब की बार उसको ताक कर गोली चला दी, इस तरह के वो उसके सर पर से गुजर कर दीवार में जा लगी। वो चीख कर बोला, तुम चाहते क्या हो, मुझे बताओ, मैं तुम्हारा मुतालबा पूरा करूंगा। अब आयो ना सीधे रास्ते पर, हमें यह मालूम करना है कि यहाँ एक लड़की आई थी आसिया, वो इस वक्त कहाँ है? खाना में सरसे में ताजे के साथ उसी वक्त घर से कहीं गायब हो गई थी। यार मोहम्मद ने राहदारी में निकलकर उसे आवाजें दी, मगर वो कहीं नजर नहीं आई। वो तो शायद बाहर चली गई हैं, आप बैठे, मैं उन्हें देखता हूँ। उसकी आंखों में बेपना हैरत उभर आई थी और उसका लहजा किसी शुक्रगुजार आदमी का पता देता था। उसकी ये माहियत कल्ब मेरे लिए नई बात थी। अभी वो हमसे पंजा लड़ा रहा था और अभी वो हमारे हुक्म की बजावरी को अपने लिए बायसे फखर समझ रहा था। चंद लम्हों बाद वो वापस आया। आप यहाँ से फौरन निकल जाएं, खानम शायद पुलिस तक जा पहुँचेंगी, मैं आपके साथ चलता हूँ, मेरा ख्याल है मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, पुलिस आ गई तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। क्या तुम्हें यकीन है कि वो पुलिस तक जा पहुँचेगी? हाँ, यहाँ जो कुछ हो चुका है वो इनके लिए नाकाबले बर्दाश्त है, आप फौरन यहाँ से निकल जाएं। आप भी उठें बीबी, हमारे साथ चलें, मैंने उस मजबूर लड़की से मुखातिब होकर कहा। जी बेहतर, ये कहकर वो उठी और बिस्तर की सफ़ेद लट्ठी की चादर अपने बदन पर लपेटकर हमारे साथ ही कमरे से बाहर निकल आई। आबी भी मेरे साथ ही बाहर आ गया। अब उसका पिस्तौल रवा हो चुका था और उसके कंधे पर जेवर जैसा लग रहा था। जैसे ही हम यार मोहम्मद के साथ मकान से बाहर निकले, हमें दूसरी जानेब से पुलिस के कई सिपाही खानम के साथ साथ चलते नजर आए। वो अभी सड़क के दरख्तों की ओट में थे कि यार मोहम्मद बोला, पुलिस आ रही है, इधर से आए, ये मकान का पिछला हिस्सा ज़्यादा महफूज है। उसने हमें दूसरी तरफ चलने का इशारा किया। वो लड़की भी जूं तू करती हमारे साथ चल रही थी और मुश्किल ये थी कि वो नंगे पाँव थी।
हम तेज तेज कदम उठाते बड़ी सड़क पर पहुंचे। जेल की इमारत हमसे जरा फासले पर थी, पुलिस हेडक्वार्टर भी ज्यादा दूर नहीं था। यार मोहम्मद ने आवाज देकर टैक्सी रोकी और हमें उसमें बिठाकर अगली सीट पर खुद बैठ गया। जल्दी निकल चलो, हमें आज ही मूसा खेल पहुंचना है। अभी लो जी, आप आंखें बंद करें और मूसा खेल पहुंच जाएं, ड्राइवर ने हंसते हुए कहा। क्या मतलब है तेरा? ये गाड़ी उधर नहीं जा सकती क्या? जा तो सकती है, मगर 100 रुपया किराया होगा। वो हम दे देंगे भाई, तू फिक्र ना कर। कंदियार उधर ही है ना? हाँ, मैं कंदियार ही तो जा रहा था। आपको कैसे पता उस जगह का? किसी ने बताया था हमें। ये एक छोटा सा गांव है, मगर सरसब्ज इलाका है। आप खुश हो जाएंगे वहां जाकर, और वो मुकर्रम अली भी वहीं होगा। जब आपको इतना कुछ मालूम था तो खानम से क्या पूछ रहे थे आप? उसकी तस्दीक चाहते थे, मगर वो मान ही नहीं रही थी। तुम ये बताओ यार मोहम्मद कि तुम किस तरह हमारे दोस्त बन गए? ये राज हमारी समझ में नहीं आया। इतने में टैक्सी शहर के बाहर एक पेट्रोल पंप पर रुक गई। ले भाई, तू जरा पेट्रोल डलवा, हम चाय पी लें, यार मोहम्मद ने कहा और हमें साथ लेकर पंप के करीब बने एक खोखे के सामने जा बैठा। दरख्त के नीचे चंद मेजें लगी थीं। तुमने बताया नहीं कि तुम हमारे दोस्त कैसे बन गए? अभी तो तुम हमें अपने पंजे की ताकत दिखा रहे थे। मैं क्या कहूँ यारो, दरअसल मैं अंदर से शायद पागल हो चुका हूँ। आपको देखकर, आपसे जोर आजमाई करके मैं यही समझा कि मैं कभी नहीं जीत सकूंगा। वो तो ठीक है, मगर तुम हमारे यार किस तरह बन गए? मुझे किसी मर्द आदमी की तलाश थी यारो, आपसे आज पंजा लड़ाकर मैं समझा कि मुझे जिन लोगों की तलाश थी वो मिल गए हैं। आपने मुझे हैरान कर दिया, समझे कि यार मोहम्मद आपका जरखरीद गुलाम बन चुका है। मैं ऐसे ही लोगों की तलाश में था। उस कंजरी की मुलाजमत तो मैंने मजबूरन इख्तियार की थी, कोई धंधा ना मिला तो उधर भर्ती हो गया। क्या तनख्वाह मिलती थी तुम्हें यहाँ? 500 रुपया महीना, सुबह शाम खाना, 6 महीने बाद कपड़े और महीने में 4 औरतें। नहीं यार, ये कैसे हो सकता है, मजाक ना कर। मैं सच कह रहा हूँ, महीने में 4 औरतें वो बहरहाल मुहैया करती थी। काम ही ऐसा था, बड़े बड़े रईस आते हैं वहाँ, खानम का डेरा तो बहुत मशहूर है, पुलिस को भी इल्म है, मगर वो भी मज़े लेते हैं। खानम बहुत चालाक औरत मालूम देती है, मगर ये लड़की उसके काबू में नहीं आई। वो अभी तक टैक्सी में बैठी थी। यार मोहम्मद सिर्फ मुझे और आबी को लेकर ही खोखे के सामने जा बैठा था। ड्राइवर अब टैक्सी का अंदरूनी मुआयना करने में मसरूफ़ था। टैक्सी में शायद कोई ख़राबी पैदा हो गई थी। इस लड़की का नाम निखत है, बेचारी बुरे हालों में खानम के पास पहुंची थी। इसके किसी आशिक ने इसे घर से निकाला और लाकर होटल में ठहरा दिया, मगर अभी वो इससे मिला नहीं था कि लड़के के वालदैन आ गए और उसे ज़बरदस्ती घर वापस ले गए। बिल्कुल नौमर था वो लड़का, वालदैन की बात ना टाल सका, लड़की होटल में तनहा रह गई। उसे जब पता चला तो वो बहुत परेशान हुई, ये सरगोधा से आई है। इत्तेफाक से खानम भी होटल में मौजूद थी, वो इसे अपने साथ ले गई और एक हफ्ते बाद ही इसके लिए ग्राहक भी ढूंढ निकाला। वो बेचारी सीधी सादी लड़की है, ये बात वो किसी भी तरह बर्दाश्त नहीं कर सकी। नतीजा ये निकला कि खानम का ग्राहक भी नाराज हुआ और खानम का भट्टा भी बैठ गया। तो ये बात है, हमने अच्छा किया, इसे खानम के पंजे से छुड़ा लिया, वरना ये तो तबाह हो गई थी। मगर तेरा मामला हमारी समझ में अभी तक नहीं आया यार मोहम्मद, तुम्हारी दोस्ती पर हमें अब भी शुबा है। नहीं यारो, ऐसा ना कहो, मैं खानम को छोड़ आया हूँ, उस गश्ती की नौकरी पर मैं वैसे भी खुश नहीं था। कहते हैं ना, नामर्द की बारात से मर्द के जनाजे में शामिल होना बेहतर है। पता नहीं आपका क्या धंधा है खान, मगर तुम मुझे अपना ही नौकर समझो। जो हुक्म दोगे मैं करूँगा पूरा, कहो तो आपके दुश्मन का सर कलम कराऊँ। यार मोहम्मद ने बड़ी मासूमियत से ये बात कही, आप ही खुश हो गया। ठीक है, हमें तेरी बात पर एतबार है यार मोहम्मद, तू हमारे साथ रहा कर, जो भी धंधा होगा मिलकर कर लेंगे। आपने जिस तरह उस कोडी को बेजान कर दिया था, वो तरीका मेरी समझ में नहीं आया। कुछ आपने गर्दन में उंगलियां फंसाकर उसे मार दिया था। हम यही करते हैं, वो कुछ ज़्यादा ही तेज़ी दिखा रहा था। मुझे सिर्फ एक आदमी मिला था, कोई 5-6 साल पहले, वो भी यही झड़लू चलाता था, आदमी का सांस बंद करके उसे मार देता था। कौन था वो? मैंने कान खड़े किए, वो मतलब की बात कह रहा था मेरे, कोई पहलवान था, अब तो बेचारा मर चुका है, गोली लग गई थी उसे, पीर कारीगर था वो इस फन में, आदमी को गर्दन से पकड़कर 1 सेकंड में बेजान कर देता था। एक और भी गुड़ था उसके पास, टखने के पास कोई रख है, वो उसे दबाता तो आदमी पागल हो जाता था, उसका ये वार कोई सही ना सका। हाँ, भले से भला आदमी मौजूद है यहाँ। बहरहाल तू फिक्र ना कर, तुझे मैं ये गुड़ नहीं सिखा सकता। इसके लिए तो मैं आपकी जैसी भी खिदमत चाहें करने को तैयार हूँ, कोई भी काम, बस एक बार मुझे गुर बता दें, मैं ज़िंदगी भर आपका शुक्रगुजार रहूँगा। अच्छा, ये हालत है तुम्हारी, खैर देखेंगे, हो सका तो मैं तुम्हें गुर सिखा दूँगा। आओ टैक्सी तैयार हो गई है। ये कहकर मैं उनको साथ लेकर पेट्रोल पंप की तरफ दौड़ा।
टैक्सी बड़ी सड़क पर आन ठहरी थी और निगत अभी तक डबडबाई हुई आंखों से हमें यूं देख रही थी जैसे वो हम पर एतबार करना चाह रही हो, मगर उसका दिल उसका साथ नहीं दे रहा। क्या बात है बीबी, अपनी परेशानियों को भूल जाओ, अल्लाह से दुआ मांगो, इंशाल्लाह अच्छा ही होगा। हम तुम्हें यूं ही नहीं ले आए, एक अच्छे मुस्तकबिल की तवक्को रखो। मैंने निगत के सर पर हाथ फेरते हुए कहा। उसकी आंखें कुछ ज़्यादा ही बह निकली। नहीं नहीं निगत बीबी, ये रोना मुझे अच्छा नहीं लगता। तुमने आबी को भाई कहा है और तुम्हारा ये बहुत उम्दा भाई साबित होगा, अपनी परेशानियों को भूल जाओ। वो कुछ ना भूली। कंदियार वहाँ से कोई 75 मील दूर था। सड़क से उतरकर हम बाएं हाथ की कच्ची रेतीली पगडंडी पर हो लिए। कुछ आगे निकले तो हमें वो पगडंडी नज़र आई जो एक बहुत ही सरसब्ज इलाके में उतरती थी। कोई 22 मील आगे पहुंचकर हमें कंदियार नज़र आया। एक ऊंची सी हवेली हमारे सामने थी। गांव का रकबा बहुत कम था, समझे कोई 40 घर होंगे जो वहां आबाद थे। हवेली अपनी तामीर के एतबार से इलाके के दूसरे घरों के मुकाबले में बहुत बुलंदोबाला नज़र आती थी। बस भाई, हमें तुम यहीं उतार दो, हवेली तक हम पैदल जाएंगे। यार मोहम्मद ने ड्राइवर को एक जगह पहुंचकर रोक दिया। आबी ने 100 रुपया निकालकर उसे दिया। वो एकदम खुश हो गया, बोला, वापसी की ज़रूरत तो नहीं होगी? नहीं यार, हम चंद दिन यहाँ रहेंगे, अब तुम जाओ, अल्लाह हाफिज़। ये कहकर यार मोहम्मद ने हमें टैक्सी से उतारा और हवेली की तरफ चल दिया। टैक्सी उसी वक्त नज़रों से ओझल हो गई। यार मोहम्मद की सरकर्दगी में उस हवेली तक जाना हमें कुछ अजीब सा मालूम होता था, मगर हम जिस मकसद के तहत वहाँ गए थे वो तो जब ही पूरा हो सकता था जब कोई आदमी वाकई हमारी सही तौर पर रहनुमाई कर सकता।